शांतिनगर थाना क्षेत्र में तुलसी नगर काली माता मंदिर के पास रहने वाले कृष्णा झा इनके घर का ताला तोड़कर चोरों ने कीमती गहने और नकदी रुपए चोरी कर लिए थे। इसके बाद शांतिनगर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के ऊपर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने घटनास्थल पर पाए गए फिंगरप्रिंट और सीसीटीवी खंगालने के बाद चोरों की वारदात का पर्दाफाश करते हुए आरोपी रूपेश नंद किशोर पांडे और अब्दुल रहमान उर्फ रमू अब्दुल रज्जाक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपी से 3,600 रुपये नगद सहित 3,30,600 रुपये का माल बरामद किया है। मिली हुई जानकारी के अनुसार 20 अप्रैल को रात 9:30 बजे फिरियादी कृष्णा झा घर के दरवाजे और गेट को ताला लगाकर रिश्तेदारों के यहाँ खाना खाने गए थे। घर पर ताला लगा देखकर आरोपी रुपेश और अब्दुल ने झा इनके घर पर सेंधमारी की। इसके बाद दोनों आरोपियों ने घर के अलमारी में रखे हुए सोने के गहने और नगद 50,000 रुपये चोरी किए। इस मामले की जाँच करते हुए शांतिनगर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और मामले का पर्दाफाश किया। शांतिनगर पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से सोने के गहने और 3,600 रुपए सहित 3,30,600 रुपए का माल जब्त किया। यह कार्रवाई सीनियर पीआई जीजे जामदार पीएसआई अरुण बकाल और अन्य पुलिस कर्मचारियों ने की। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नागपुर।